क्या ऐश्वर्या और अभिषेक ने ली डिवोर्स? आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं सारी सच्चाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों ऐश्वर्या और अभिषेक में कुछ अनबन चल रही है और इसकी कई कारणें भी सामने आ रही हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की खबरें इन दिनों ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं और इसके पहले कई बार भी सुर्खियों में बनी हुई थी, पर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि तलाक पक्का नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल रिलीज़ हुई थी जिसमें डिवोर्स से जुड़ी कुछ खबरें छपी हुई थी, जैसे कि डिवोर्स होने से रिश्तों में कैसी अनबन हो जाती है या फिर कितना तकलीफ होता है। उस आर्टिकल पे अभिषेक बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी, जिसे देख लोगों का यह मानना है कि अभिषेक बच्चन भी अब डिवोर्स चाहते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन से। उनकी रिश्तों में काफ़ी दरार नज़र आ रही है और उसके साथ ही एक नई खबर भी सामने आ रही है। मुंबई के एक फेमस डॉक्टर ज़ीरक मार्कर एंड ऐश्वर्या के फ्रेंडशिप के बारे में। ज़ीरक मार्कर और ऐश्वर्या की दोस्ती काफ़ी गहरी है, आज से ही नहीं काफ़ी साल पहले से। और केवल उतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के फंक्शंस में भी ऐश्वर्या राय और अभिषेक अलग दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ ज़्यादातर स्पॉट की जाती थी और अभिषेक अपने फैमिली यानी अपने पिता अभिषेक बच्चन और माता जया बच्चन और अपनी बहन के परिवार के साथ। वो दोनों एक ही फंक्शंस में आते थे लेकिन अलग अलग। अभिषेक अपने माता पिता और अपनी बहन के परिवार के साथ और ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ। एक ही घर के लोग यानी पति पत्नी का ऐसे अलग अलग आना भी लोगों को काफ़ी खटक रहा है और शायद यही वजह है कि लोग उनकी तलाक की खबरों को सच मान रहे हैं। वेल, इन दोनों की तलाक की खबरें अभी ऑफिशियल नहीं हुई हैं, पर इन सब कारणों को देखते हुए ये भी लग रहा है कि कुछ दिनों में शायद ऑफिशियल हो भी जाए। वेल, आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इनकी तलाक चाहते हैं या नहीं एज ए फैन की तौर पर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।